तब्दीलियां होनी चाहिए आपकी पाकिस्तान की टीम में, ताकि ठीक है जिस तरह तौसीफ भाई बात कर रहे हैं कि बेकर से आप कैप्टन लेके चल रहे हैं ना बाबर को, अब लेके चले उसको फाइनल थ्रू दें, क्या कहेंगे अली? देखिए यार, एक तो ऑफिशियली बाबर आजम को हटाने की अथॉरिटी है नहीं किसी के पास। हाँ ये जरूर है कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो है इतने पावरफुल हैं इंदी भाई के, वो लड़के कुछ डाल सकते हैं उसके अंदर, चेंजिंग ये हो सकती है टीम के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड चेंजेस जो है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर चल ही रहे हैं, देखिए उनमें से किसका निकलता है। सरफराज एज टीम प्लेयर नाकारा होगा, ये मेरी राय है। हो सकता है कि इससे इख्तलाफ कर लें लोग, एज ए कैप्टन अगर आप उसको देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो मसला आ रहा है वो मसला यही आ रहा है कि इनमें से किसी के पास गेम अवेयरनेस नहीं है। सब अपनी सेटिंग के रन करने के लिए, अपनी विकेट लेने के लिए छोटे छोटे शिकार कर रहे थे, जब बड़े शिकार करने का टाइम आया तो इनके पास वाली सलाहियत ही नहीं है। ये थोड़ा सा उछल कूद करके कुछ तो कर सकते हैं 8-10 ओवर के अंदर, ये एक्सरसाइज है अली। 2020 से अब तक की एक्सरसाइज आप देख लें, आपको जब मैटर करना होता है आप फेल हो जाते हैं। उसकी वजह फेल ये नहीं है कि आप कोई जीत जाता है आपसे, भैया आपने वो सलाहियत ही नहीं है, ठीक है। ये सलाहियत